फलसफे की इब्तिदा इंसान की दोहरियत की तरफ ले जाती है और इंतहा वापस अल्लाह के पास ले आती है। इमाम गजाली ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिंद है जो साया भी देगा और पल भी। तवक्कुआत की कहानी का अंजाम सिर्फ दुख होते हैं। गुस्सा करना किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती कर कर इस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। अगर रिज़क अकल और दानिश्वरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ भूखे मर जाते। इंसान की तमाम परेशानियों की वजह मुकद्दर से ज्यादा चाहना, वक्त से पहले चाहना, किनात पसंदी की कमी है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हमको फिक्र अमल की तौफीक दे। नफ्स वो भोंकता कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भोंकता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। नेक औरत असबाब आखिरत से है ना के उमूर दुनिया से। जो आखिरत को दुनिया से बेहतर जाने वो ईमान वाला है। सख्त कलामी से रेशम जैसे नरम दिल भी सख्त हो जाते हैं। जालिम की मौत पर मलूल होना भी जुल्म में शामिल है। हर लिखने वाले ने फना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज हमेशा बाकी रहेगी।